पदी राघवाचे सदा ब्रीद गाजे बले भक्तरि पूश्री काम्बिवाजे जेणे सर्वेणमानी नुपेक्षी कदा रामदाभिमानी करो व्रत जहां राम जी के चरण हो भक्त के रिपोशी शपे तब मरण हो पुरा नगर यात्रा करे सूर्य पथ उपेक्षा करो दास के राम मन की नमस्कार विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की संकल्पना से शुरू हुए इस चैनल पर हम कई प्रोग्राम कर रहे हैं जिससे मानसिक स्वास्थ्य निर्माण हो दर्शक जो हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए नहीं तो अक्सर हम देखते हैं कई टेलीविजन प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिस प्रोग्राम के वजह से ज़्यादातर शाम के वक्त वो कथाएं आपके सामने प्रस्तुत होती है उसमें मन को तसल्ली नहीं मिलती शांति नहीं मिलती इसलिए राध्याप डॉक्टर तो विश्वनाथ कराड़ जो पिछले तीस बरस से विश्व शांति के लिए काम कर रहे हैं उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम ऐसा चैनल यूट्यूब पर शुरू करें जिससे मन को शांति मिले और बस वही ध्येय मन में रखते हुए हम आपके सामने कई प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं मुंबई दूरदर्शन के जाने माने डायरेक्टर डॉक्टर मुकेश शर्मा जी विश्व शांति दर्शन चैनल के प्रमुख हैं और उनका जो अनुभव है मुंबई दूरदर्शन का उसका विनियोग अब विश्व शांति दर्शन चैनल चलाने में हो रहा है कई प्रोग्राम है अलग अलग है एक प्रोग्राम नया भी आ रहा है जिसमें हिंदी फिल्मों के जो गीत हैं उसमें भी आध्यात्म छिपा हुआ है और कई गीत ऐसे हैं जिसमें आध्यात्म है उसके बारे में एक प्रोग्राम हम तैयार कर रहे हैं ताकि दर्शकों को दोनों आनंद मिले एक आनंद वो होगा जो हिंदी फिल्म का गाना सुन रहे हो और दूसरा आनंद उस गीत के पीछे जो अध्यात्म छिपा हुआ है वो भी प्राप्त हो खैर इसी चैनल पर हम एक मालिका चला रहे हैं उसका नाम है मन के श्लोक महाराष्ट्र के महान संत समर्थ श्री रामदास जी ने लिखे हुए मना से श्लोक इस श्लोक संग्रह का रूपांतर में कर रहा हूँ हिंदी में और उसका निरूपण भी करता हूँ आज तक 28 एपिसोड हमने किए हैं आज का एपिसोड है उनतीसवा श्लोक क्रमांक उनतीस समत रामदास जी क्या कह रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हैं वो रामदास ही हैं तो स्वाभाविक है उनके मन में और कुछ नहीं है बगैर राम के तो वो राम जी के बारे में क्या कहते हैं वो कह रहे हैं करो व्रत जहाँ राम जी के चरण हो भक्त के रिपुशी सपे तब मरण हो पूरा नगर यात्रा करे सूर्य पथ की नुपेक्षा करो दास के राम मन की ये कह रहे हैं समत रामदास जी यहाँ पर कि करो व्रत जहाँ राम जी के चरण अगर उपासना करनी है तो प्रभु राम जी के चरण जहाँ पर है वहाँ पे व्रत करो वहाँ पे उपासना करो वहीं पे साधना करो और ऐसा क्यों करना है तो ये जो भगवान है श्री राम जी ये क्या करते हैं ये भक्त का जो रिपु है रिपु यानी शत्रु जो भक्त है जो राम भक्त है उसका जो शत्रु है उसका विनाश करते हैं इसलिए ये दूसरे चरण में समझ रामदास जी ये कह रहे हैं कि व्रत वहाँ क्यों करना है राम जी के चरण में क्योंकि एक ही भगवान ऐसा है जो भक्त के रिपु शीर्ष पे तब मरण हो रिपू का जो शीर्ष है उसका विनाश प्रभु राम जी करते हैं क्यों भक्त को बचाने के लिए और ये जो भक्ति प्रेम है ये भक्ति प्रेम तब पैदा होता है जब भक्त राम भक्ति प्रस्तुत करता है और राम भक्ति प्रस्तुत करने का ये एक मार्ग है जहाँ राम जी के चरण हो वहाँ पे व्रत करें वहीं पे साधना करें देखिए ये ताकत क्या है भगवान की जैसे हमें पता है कि वाली और सुग्रीव वैसे तो भाई हैं लेकिन जब झगड़ा कर रहे हैं तो सुग्रीव राम के भक्त हैं और सुग्रीव राम के भक्त है और वाली सुग्रीव के शत्रु हैं तो वाली का वध किया प्रभु रामचंद्र जी ने क्यों भक्त का रिपु है वो जो राम भक्त है उसका जो शत्रु है उसका विनाश करते अपने भक्त का रक्षण करते हैं और इसलिए समत रामदास जी कह रहे हैं कि करो व्रत जहाँ राम जी के चरण हो भक्त के रिपु शीर्ष पे तब मरण हो पूरा नगर यात्रा करे सूर्य पथ की अभी जो तीसरा चरण है उसमें अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं उसमें से एक अर्थ ऐसा है कि ऐसे कहा जाता है कि प्रभु रामचंद्र जी अपना पूरा सैन्य अपने पुष्पक विमान में लेके जाते थे तो स्वाभाविक है जब कभी भक्त को आवश्यकता हो सैन्य साथ में होता है ये एक अर्थ है और दूसरा इतनी शक्ति है कि पूरी अयोध्या नगरी जो है वो नगरी अपने साथ ले जाने की क्षमता शक्ति शौर्य प्रभु राम जी के पास है और वो कैसे लेके जाते थे सूर्यपथ सूर्यपथ मतलब आकाश से और आकाश से जाना है तो पुष्पक विमान की आवश्यकता जरूर होगी अब ये अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं पूरे भारतवर्ष में कई भाषाओं में रामचरित्र का रूपांतर हुआ है स्वाभाविक है अर्थों में भी कई बार इस तरह से पाठ भेद आने की संभावना है लेकिन हमें क्या लेना है हमें पाठ भेद से कोई मतलब नहीं हमें इतना समझना चाहिए कि चलो ऐसे भी हम समझेंगे कि पूरा सैन्य अपने पुष्पक विमान में लेके जाते थे सूर्यपथ से मतलब आकाश से या तो अयोध्या नगरी जिस नगरी के वो राजा है वो अयोध्या नगरी अपने सामर्थ्य से अपने साथ आकाश मार्ग से ले जाने की क्षमता रखती हैं। प्रभु राम जी का यह शौर्य समर्थ रामदास जी इस श्लोक के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और हमें उद्योग करने की कोशिश करते हैं कि हम राम भक्त बने और इसलिए ये तीसरा चरण है कि पूरा नगर यात्रा करें सूर्यपति की और इसीलिए चौथा चरण जो है वही चरण जो पिछले श्लोक में भी आखिरी चरण था और वो है नुपेक्षा करो दास के राम मन की कभी उपेक्षा मत करो क्यों भक्त के शत्रु का विनाश करने की इच्छा और प्रतिज्ञा प्रभु राम जी ने की है इसलिए अगर आप जो राम भक्त है उसके मन की उपेक्षा करोगे तो आप उस रामदास के शत्रु होते हो और फिर समझ लीजिएगा समझ रामदास जी यहाँ पे क्या कहना चाहते तो इसलिए चौथे चरण में उन्होंने कहा है कि उपेक्षा करो दास के राम मन की तो जो राम मन है उसकी उपेक्षा कभी ना करो और एक बार पूरा श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और शांति से सुनिएगा और मन में चिंतन कीजिएगा रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी इज क्रिएटिविटी अगर निर्मित होनी है तो रिकलेक्शन में ट्रैंक्विलिटी मतलब एकांत में फिर सोचना है एकांत एक में जब आप फिर सोचोगे तब आपके मन में वो राम भक्ति निर्माण होगी उनतीसवा श्लोक फिर एक बार आपके सामने करो व्रत जहाँ राम जी के चरण हो भक्त के रिपु शीर्ष पे तब मरण हो पुरा नगर यात्रा करे सूर्य पथ की नुपेक्षा करो दास के राम मन की याद रखो मिलते हैं अगले एपिसोड में श्लोक क्रमांक तीस के साथ तब तक के लिए जय श्री राम